नमस्कार। हिसार वासियों को, हरियाणा प्रदेश के वासियों को हृदय से प्रणाम करती हूँ। मैं नहीं समझती कि कोई दुविधा की घड़ी है और चिंता की घड़ी भी नहीं है। डिजास्टर जब भी आता है, कोई भी प्राकृतिक आपदा जब भी आती है, चाहे वो महामारी हो, बाढ़ हो, कोई भी प्रकोप हो, सबसे बड़ा जो मंत्र है, जो साधन है, वो एक ही है और वो है हमारा हौसला। अगर हम हौसले में हैं तो कोई दिक्कत ही नहीं है। और मैं इस मौके पर ये महसूस कर रही हूँ कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने हमें टोकरे भर भर, हमें अंजलि भर भर इतना हौसला दिया है कि निम्न परिवार से लेकर उच्च वर्ग तक आज कोई भी बिना हौसले के नहीं है, कोई चिंता में नहीं है। जैसे कि सारी चिंता मोदी जी ने अपने सिर पर ओढ़ ली और कहा कि जाओ तुम मौज करो और अब मेरा जिम्मा है। इतने बड़े मुल्क की, इतनी बड़ी जनता, इतनी बड़ी पॉपुलेशन की जिम्मेवारी को ओटना, साथियों, ये छोटा काम नहीं है। इसके लिए मोदी जी का 56 इंच का सीना, जिसकी बार बार चर्चा होती है, इस पे कटाक्ष होते हैं, अब हर एक को अनुभव हो गया होगा कि तो 56 इंच गलत कह दिया, ये तो ज़्यादा ही चौड़ा लग रहा है जो है। क्योंकि इतनी बड़ी महामारी को एक आदमी ने अपने सीने पर लेकर के जिस तरह की एक सद्भावना की, सदाशयता की और इसके इलाज की, उपचार की, हमारे हौसले को बुलंद करने की जो एक नेक नियत दिखाई है, मैं सोचती हूँ कि उसके सामने सर को, अपने मस्तक को नत किया जा सकता है, झुकाया जा सकता है, क्योंकि हम भी बहुत एहसानमंद हैं। मैं व्यक्तिगत रूप से अपने परिवार के साथ घर में लॉकडाउन होकर के परेशान नहीं हूँ, दुखी नहीं हूँ, निश्चिंत हूँ कि एक रास्ता दिखा दिया जो दुनिया के देशों के बड़े बड़े प्रेसिडेंट्स और प्राइम मिनिस्टर नहीं कर पाए, हमारे मुल्क के प्राइम मिनिस्टर ने चुटकियों में वह काम कर दिया और हम दुनिया के विश्व गुरु बनने की जो परिपाटी हमारी थी उसकी नई इबारत हमने लिख दी। जो तो ये बहुत बड़ा कदम मोदी जी का है। हमारे प्रधानमंत्री साहब ने जो ये करिश्मा कर दिखाया है कि 130 करोड़ लोगों की आबादी में केवल जो आंकड़ा आज के दिन हमारा 6000 को स्पर्श कर रहा है, यह विकराल करने वाला नहीं है, यह विचलित करने वाला नहीं है, ये एक संकेत मात्र है कि अब बचाव की जो तुम्हें जानकारी दी गई है, जो रास्ता दिखाया गया है, अपने घर में रहने का। और घर में रहना कोई पाप नहीं है, घर में रहना आनंद है, मौज है, मस्ती है, बहुत ही एक दूसरे को जानने का, जो दूरियां परिवारों में आ गई थी, आज मैं सोचती हूँ कि हम मोदी जी के कारण से निकट आ गए हैं। लोगों ने मोबाइल छोड़ करके एक दूसरे से बात करके, गुफ्तगू करके एक दूसरे को जानने का, पहचानने का, मानने का, एक दूसरे का आदर करने का, सत्कार करने का, एक दूसरे से सीखने का एक बहुत बड़ा ये अवसर हम लोगों को मिला है। इसे भी अवसर मान करके अगर हम चलते हैं तो मुझे लगता है कि कोई परेशानी किसी तरीके की नहीं है। मोदी जी ने एक इतिहास रचा है, एक राजनेता होकर के उन्होंने एक ऐसा परम चिकित्सक, एक ऐसा वैद्य, एक ऐसा सुश्रुत रूप धारण कर लिया है कि जो दुनिया के लिए एक अनुकरणीय मिसाल बन गया है कि हमें भी इस तरह से त्वरित निर्णय लेने चाहिए, तात्कालिक निर्णय लेने चाहिए, सोच विचार में पढ़ के जनता को महायमराज के मुंह में देने की जरूरत नहीं है। और मोदी जी ने यह काम बहुत ही बुद्धिमत्ता के साथ, बहुत ही शालीनता के साथ, सद्भावना तक इसके साथ किया, क्योंकि उनके रूह को इस बात का पता है और हिंदुस्तान भी इस बात को जानता है कि जैसे कहावत थी पहले, दांत है तो स्वाद है और जान है तो जहान है। अगर जान ही नहीं है तो किस काम आएगी इकोनॉमी, किस काम आएंगे पुल, किस काम आएंगे कल कारखाने, किस काम आएंगी ये हमारी कारें, मोटरें और बड़े बड़े कुछ भी संयंत्र, यंत्र, डिवाइसेस, अप्लायंसेस, कुछ भी लगा लीजिए, ये महल चौबारे यहीं रह जाएंगे। अगर जान नहीं है तो साथियों कुछ भी नहीं है, घबराने की जरूरत नहीं है। और जान को बचाने के लिए न दवाई खानी है, न पुड़िया है, न वैद्य है, न डॉक्टर है, न कोई ऑपरेशन है, बस सिर्फ कितना सीधा, हाथ धोइए और घर पे रहिए, मिलके रहिए। और ये बहुत बड़ी बात है एक कि घर पर रह करके भी, जैसे हमारे बड़े बुजुर्ग कहा करते, भाई आपस में उचित दूरी होनी चाहिए, मर्यादा का पालन करना चाहिए, वही तो मोदी जी कह रहे हैं कि 1 मीटर का फासला, 1.5 मीटर का फासला हमारी जान को सुरक्षित रखेगा। बिल्कुल, तो इन छोटे छोटे नुक्तों को, ये नुक्ते नहीं है, ये नुस्खे हैं,
इनको हमें मानना चाहिए और मोदी जी के प्रति हमें अपना आभार ज़रूर जताना चाहिए। जब मैं छठी क्लास में पढ़ती थी तो छठी क्लास से लेकर दसवीं क्लास तक एक ऐसे हर साल आया करता था और वो था मेरा प्रिय नेता। मैं पिछले 36 सालों से अध्यापन कार्य में हूँ, कॉलेज में भी मैं पढ़ा रही हूँ, मैं स्कूलों को भी देख रही हूँ, लेकिन किसी भी स्कूल कॉलेज की किसी भी परीक्षा में ये ऐसे आना बंद हो गया कि मेरा प्रिय नेता। क्यों? क्योंकि इन विगत सालों के अंदर किसी भी नेता ने ऐसा रोल मॉडल बन के दिखाया ही नहीं कि हम ये लिखें कि फला आदमी मेरा रोल मॉडल है, मेरा प्रिय नेता है। लेकिन अब आज अगर ये ऐसे आ जाता है किसी भी क्लास में, बच्चा बच्चा देश का यह लिखेगा कि मेरा प्रिय नेता नरेंद्र दास मोदी है। मैं मोदी जी को नमन करती हूँ, प्रणाम करके उनके आह्वान को मैं कामना करती हूँ कि मशाल बन जाए और हमारे देश का एक एक नागरिक उनके सामने सुरक्षित रहे। जिस तरीके से उन्होंने एक लोअर तबके के लोगों की भूख का भी इंतज़ाम किया है, दिहाड़ीदार की चिंता है, मजदूर की चिंता है, सफाई करने की चिंता है, रेडी लगाने वालों की चिंता है, मजदूरों की चिंता है, और जो खेतों में कटाई लामनी का काम करते हैं उन सब की चिंता है। इतनी चिंताओं को अपने ऊपर ओट करके आश्वस्त करना अपने देशवासियों को कि बिल्कुल चिंता मत करना, ये एक वही आदमी कह सकता है, या तो बुद्ध है या बहुत ही शुद्ध है। ऐसे शुद्धतम नेता को मैं बार बार नमन करती हूँ और कोरोना की इस महामारी से जिस सरलता के साथ वो हमें बिल्कुल निर्विघ्न किए हुए हैं, मैं सोचती हूँ कि ये बहुत बड़ी बात है। और इस मौके पर सभी देशवासियों का फर्ज बनता है कि अपनी अपनी हैसियत के हिसाब से किसी भूखे को भोजन खिलाएं या पीएम केयर में अपना योगदान भेजें, ये बहुत ज़रूरी है। साथियों अपने लिए सब जीते हैं, चींटी भी ले लेके दाने अपने लिए इकट्ठे कर रही है, प्रकृति भी जब आपदा लाती होगी तो एक चींटी दूसरी को जरूर देती होगी अपने दाने, कौवे को रोटी का टुकड़ा मिलता है एक, काम काम करके साथियों को बुला लेता है। साथियों हमें भी अपने साथियों को साथ बुलाने की ज़रूरत है। निमंत्रण दीजिए अपने साथियों को, रिश्तेदारों को, कहिए उनको कि मोदी जी के आह्वान को पूर्ण करते हुए हम भी समाज के लोगों की चिंता करें, उनके खाते में धनराशि भेजें, हम उनके राशन का जुगाड़ करें, उनको फूड पैकेट्स दें, जिस भी तरीके से जैसे भी मदद करें, ठीक वैसे ही जैसे मोदी आज विश्व का एक बहुत बड़ा अनुकरणीय स्टेप बन गए हैं। बाकी नेता लोग उनसे दुनिया के पूछ रहे हैं फ़ोन करके, मोदी जी आपने कैसे कोरोना को काबू किया, और वो बता रहे हैं। उसी प्रकार हम भी इस बात की मिसाल बने कि मेरे देश का एक भी आदमी भूखा नहीं रहेगा। निदा फाजली के शेर के अनुसार, कोई धर्म मोहब्बत का ऐसा भी निभाया जाए, कोई धर्म मोहब्बत का ऐसा भी निभाया जाए, अगर तू रहे भूखा तो मुझसे भी न खाया जाए। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं एक बार फिर से नरेंद्र मोदी, हमारे प्रधानमंत्री जी को प्रणाम करती हूँ और उन्हें पूरा भरोसा दिलाती हूँ कि जहाँ तक हमारे लोग हैं, साथी हैं, परिजन हैं, मित्र हैं, बंधु बांधव हैं, हम पूरी दमखम के साथ आपके साथ हैं और आखिरी सांस तक हम आपके साथ हैं। नमस्कार।